वेलकम विक्रांत मीडिया टेलीलाइन से ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मिनिस्टर रही चुका है एमपीए रही चुका है नवाब तैमूर टालपुर साहब मूसा गन सर तांके वेलकम चाहूं था अपने प्रोग्राम में वतन वापस आई उन हमलो कयो वयो जान निसारन पंजी जान डई करे बीबी साहिबा के बचायो छा चंदो नवाब साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिल्कुल सही था चाहो यो आए तो पुरानो वाक्यो पर हिंसर भी सोचूं था तो यो डी लगे तो हाने हाने ताजो ताजो मटियो असाजे सामू का सही जे तरीके सा जे नमूने सा बीबी जो इस्तकबाल कियो सी पाजा काफला उमरकोट मा वठी आया सु पूरे काफले जे पोया पे असी रे धमाको थियो सही पर अखन न मनियो तो वाकी धमाको थियो आ इहो अखन न मनियो तो इहो दुनिया में पहले चक्कर थियो तो किथे को एक धमाको थियो मानू बजाय परे भजण जे मानू सब उन धमाके मंज घड़ी आ बीबी साहब के बचाने ला सही आई पो बियो धमाको थियो आई बी धमाके पर पोज के रेल मानो वरी हो भजी अंदर बीबी के बचाने ला सो ये एक हेड़ी शे आ जेके ह्यूमन माइंड जेको तस्लीम नथो करे जेके मानो ब्या बार मुल्क जे दिसन था उन गाल ते भरोसा नथा कर त की मानो है पाजे पान के खुदकुश करे अंदर बीबी के बचाने आ पे सो एक तमाम दुखियो डियो एक तमाम दुखवारो डियो एक एडो डियो जेके जे असा जे तकरीबन 180 मानन जी शादू थियो पीपल्स पार्टी जे वर्कर्स जो जालन जो तकरीबन 800 खां वधिक मानु जे को सो जख्मी थिया नौब साहब बीबी साहिबा जी एकड़ी जद्दोजहद स्ट्रगल उन जे वर्कर्स जी एकड़े नजरिए लाए हुई पंजी जान मानु नजरिए लाए दींदोआ को जाती मुफादन जे करे न दींदो उआ शहादतूं नजरियन जे करे दींदो ये शहादतूं भी नजरिए लाए हुई पीपल्स पार्टी जे बिल्कुल ये भी नजर लाए हुए मोहतरमा शहीद बेनी भुट्टो जी का शहादत आ वो को गलती नहीं हो एक प्लान हो एक ठहल ठुकेल गेम ही एकड़ो पांजो एडी शही जी बीबी साहब के खबर हुई बीबी साहब के वार्निंग देनी ही जिनमल बीबी साहब जहाज में वही पे ओडीमल को कलाक डेट बीबी जो जहाज लेट कराए धमकी उन तहां जी इंदा तहां कौन बचना पर शहीद रानी जो पांजो जहन ढाई वरतो है उनचे तो मुखे पांजे मुल्क अजीज आ पानी जान खा अधिक मुझे पानी मुल्क जा मानो अधिक अजीज आ पानी जान खा आई मां जी शहादत देनी पे दिनम तो एड़ा मां समझा तो नजरियो एडिन शेन ते ठे तो नजरियो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दिसी ठयो छो तो मानन ठो तो हुन पाजो सर कटाय छड्यो सर कपाय छड़ी पर झुकाई कोन पाजे मुल्क ला पाजे मानन ला पाजे असूलन ला आई शहीद मोहतरमा मिलिन भुट्टो उन्हें सागो कयो आई उही वजह जो अज ता दिसो बिया जिथे वणो था इलेक्शन जरे अनाउंस थन था जरे जी भुट्टो जो नारो लगे तो तब या सब भजी था ने एकड़े पासे पीपल्स पार्टी सा बीजार चेयरमैन साहब आज जी त एकड़ो तारीखी खिताब कियो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर जे हवाले सा भी आज यकजहती कश्मीर सा गड बीठल आयो भुट्टे साहब जी तारीखी जेको यासिर अरफा सा तालुकात पाकिस्तान आयो बीबी साहिबा जो जेको किरदार ओआईसी जो बानी चेयरमैन हो मोहतरम जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब छा चोंदो बिल्कुल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जे नमूने शहीद जेको उनजे पया माइंड सेट हो जेको उनजे पया रीजन हो यो यो तो पाकिस्तान बेन मुल ममालिक के इस्लामिक ममालिक के लीड पे करे सबन ममालिकन के यूनाइट पे करे मुस्लिम पावर ठाए पे दिखारे पे जे का ब्या मुल्क डिजी आ वो समझी आ जे जुल्फकार अली भुट्टो के वधिक अगते वजन ने ते मुसलमान ममालिक असा का तमाम घणा पर भराए काबू थी दा हाने जदे ता स्पीच बुदो था चेयरमैन बिलावल जी त ता उने में भुट्टे साहब जी सोच शहीद रानी जी सोच वो सब शयो ता जे सामू अचंत जी सब शयो बिलावल भुट्टे साहब जी दिला निकरन थियो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चो त इलेक्शन बार बार असा मुतालबो कंदासे पीपल्स पार्टी इलेक्शन जे करे तैयार आए लंडन मा वेही करे सियासत नथी करे सिकजे मुल्क जे अंदर अचे एक शख्स जे करे जमहूरियत के रोकियो वियो आ इंतखाबात के रोकियो वियो आ आइन के रोकियो वियो आ छा चंदो नवाब साहब बिल्कुल या तसा ये पहले नी खाया डिमांड आए आई असा अन्या में इंतजार पे के उत इलेक्शन जो डेट अनाउंस कयो ने इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन के असा अपील किया मा पूरी उम्मीद आया त इलेक्शन कमीशन असा जी अपील ते वजन विजंदो आई जल्द मा जल्द असा के डेट्स बुधण में ईदा
छो तो असि कई विषय से कॉम्प्रोमाइज कर सूँ था पर इलेक्शन से अस जमहूरत इलेक्शन से कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं क्या इन कहीं कदासो माजी की क्यादत की जरूरत ना है चेयरमैन साहब जो आ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जै मां भी उन 60-70% उन नौजवान में आया नई सोच की जरूरत है माजी के मसलन में जी क्यादत फाथल न हो वोट से ही इक्तदार में अचे आवाम की ताकत से इक्तदार में अचे चौद बेशक मां समझा तो आवाम के हाने चेंज खपे मानन इलाही पार्टियों के इलाही मानन के आजमाए डिठो हाने हो के नौजवान क्यादत बिलावल भुट्टो की सूरत में के आजमाइन चाहन था मां समझा तो फ्यूचर के हिसाब से मानो सोचे वे तो हिंर इलेक्शन तो जरूर थी पर मां बिलावल भुट्टो साहब के हिंर भी अज भी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग समझा तो इंशाल्लाह नफरत की सियासत तकसीम की सियासत के चेयरमैन साहब चो खत्म करण पवो अगत वो पवो जमहूरियत पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल ही जी नौजवान की सोच होंगी जी के नौजवान के अगते बढ़ो हों उन हिसाब से बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब नवाब तैमूर टालपुर साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू बुझो राजीव टेबलाइन से ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान लेखक कॉलमनिस्ट सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जमीर घुमरो सामू सा गन बैरिस्टर साहब तक वेलकम चाहे प्रोग्राम में मेहरबानी थैंक यू अब चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन के हवाले से भी गाल क्यादत के हवाले से भी गाल माजी जे कायदीन रहा उन हवाले से भी गाल मियाँ साहब जै सियासत करनी है तो पैं मुल्क में उनके वेलकम क्यों था उनके कर इलेक्शन के रोको वो जमहूरियत के रोको वो आइन के रोको वो चौदह बैरिस्टर साहब बिल्कुल बिलावल साहब जो स्टेटमेंट सही पांजो जेको इलेक्शन सन उए नवाज शरीफ जे अराइवल सा जेको आसो कनेक्ट कई हुई उन जो बो को बो जाहिर सबब कोने को छो तो इलेक्शन नवे डी के अंदर थनी है उन इलेक्शन के जेको आसो प्रोसेस के रोको वो जेस तीन नवाज शरीफ अचे उनकी होमकमिंग थे उनखा पो इलेक्शन कराई वन 24 करोड़ मान जा जो को फंडामेंटल राइट इलेक्शन करने की कोशिश कई हुई मुल्क जो हालत उन्दों इलेक्शन के नतीजे में जैसे इलेक्शन नाई वन हिंसा इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस न किया तो मुझे ख्याल में यो कें भी पोलिटिकल पार्टी ला या कें भी सियासतदान ला वरी समा बिलावल साहब जो सो सही उनको इशारो दिनों तो हि मुल्क जो सो ये नो हली सके मुल्क इलेक्शन का सवा जो सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो सो मुल्क से मुसलत नी सके घने अरसे बैरिस्टर साहब नफरत की सियासत के तकसीम की सियासत के भी चौथे तो उनके जो है खत्म किया वे अगत वो वे चवन जो मुल्क के लिए रियासत के लिए बेहतर है जो तकसीम वाली रियासत सियासत थे ही तद थी जैसे तुम फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा जैसे तुम फ्री एंड फेयर सेंसस ना करा जैसे मान जो एक ग्रुप जा जे एक कौम जा फंडामेंटल राइट्स रेस्पेक्ट ना कर जैसे एकड़ी कौम के बी कौम से बालादस्त कर जैसे जो एथनिक ग्रुप के बे एथनिक ग्रुप से उनके बर्तरी हासिल कराए था जो तो मुझे ख्याल में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से अमल आइन से अमल तो ये सब जे भी डिफरेंसिस स्टेट में मुख्तलिफ मान में मुख्तलिफ क्लासिस के विच में उ ढरा थी वा छो तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होंगी डिफरेंसिस के घट कंदी फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिफरेंसिस के घट कंदा तुम जो मैनेज सिलेक्टेड इलेक्शन या जो सिलेक्शन उन डिफरेंसिस या पोलिटिकल पोलराइजेशन केतरी पोलिटिकल पोलराइजेशन थी तो 2018 में जो सिलेक्शन कई हुई वह इलेक्शन न हुई आरटीएस सिस्टम के विहार हो अड़े नमूने से तुम ऐसा हों 2013 में भी धांधली कई हुई 1990 में भी धांधली कई हुई 1997 में भी धांधली कई हुई तो उनका सो मुल्क में पोलिटिकल पोलराइजेशन वधंदी आ जैसे भी तुम सिलेक्शन कंदा हो जैसे भी तुम इलेक्शन कंदा हो उनका जो सो मानन में रवादारी बर्दाश्त सहप एक बे से सो राबो वो वो उन करे मुल्क में जो सो जो नफरत आ विरासत वाली सियासत आ उन हल यो फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट एनी इंटरफियरेंस का भी सिलेक्शन ना हो कें पर्टिकुलर पार्टी के या पर्टिकुलर मानू के वजीर आजम किया वो या पर्टिकुलर पार्टी के इकदार में आंदो वो पीपल्स पार्टी की क्यादत जो मौकफ है तो लेवल प्लेइंग फील्ड की गाल करन था मियाँ साहब की वापसी ढीला ढीला समझो तो लगे तो
डील तो आप वो तो हर को चाहे तो डील आए डील का सवाद म्या साहब करें सऊदी अरब का भी जैसे मोटो हो तो वो डील से मोटो उन वक्त के एडवोकेट जनरल यूसुफ लगारी साहब वह डील सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी बुधाई हाँ डील थी हाँ खड़ी लिखत में कोने का अगम तो लिखत में थी डील का सवा तो मुझे ख्याल में जो मामला वो तय न थन म्या नवाज शरीफ साहब न अचे हाँ डील का साई वो अचे पो तो मुझे ख्याल में तो यो तो ऑब्वियस बिल्कुल ऑब्वियस वही मेहरबानी साईं तां टाइम दिनों बैरिस्टर जमीर घुमरो साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी जहाँ तो डील जाहिर डील लगे थी जाहिर डील साईं अते तो नवाज शरीफ हमेशा आयो मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान प्रिंट जो मौक़िफ सही आए उन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी गाल कई नफरत की सियासत पोलराइजेशन की इनके खत्म थियण खपे इन ही सा गुजा अल्लाह हाफिज़।